तो गाइज आज हम रिव्यू करेंगे हॉस्टल डे सीजन 3 का। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे हॉस्टल डे सीजन 3 का। मैंने इस सीजन को देख लिया है तो मैं आपको आज बताता हूँ कि आपको ये सीजन देखना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इसमें अच्छा था क्या बुरा था, तो सब बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जिसने इसका सीजन 1 और सीजन 2 देखा है और सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि सीजन 3 बवाल है। मतलब कि ये सीजन 1 और 2 से भी ज्यादा बकचोदियों से भरा हुआ है। मुझे बहुत पर्सनली बहुत मजा आया, इतना सीजन 1 में मजा नहीं आया मेरे को, इतना सीजन 2 में मजा नहीं आया जितना इसका सीजन 3 में मजा आया मेरे को। मतलब भाई मैं लिटरली हंसा आता तब आके। भाई देखो स्टोरी नहीं है इसमें कोई, वही हॉस्टल डेज की कहानी है कि आज ये नया किस्सा आज ये नया किस्सा। मतलब 6 एपिसोड है इसके सीजन 3 में और 6 में अलग अलग कहानी टाइप है, कोई मतलब ऐसी तगड़ी कहानी नहीं है। पर भाई बकचोदियां इतनी तगड़ी है ना यार, क्या कहूं यार। मतलब आपको ना लाइफ लेसंस भी मिल सकते हैं कि अगर पढ़ा तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ा इंटरव्यू में कैसा होता है तुम्हारे साथ, कैसे आपकी ली जाती है। देखो भाई मैं कभी हॉस्टल नहीं गया, पर भाई मेरे को अगर मेरे को मौका मिलता ना भाई मैं जाता, ठीक है, पर नहीं गया। पर तो मैंने हॉस्टल डेज तीनों सीजन देख के ना दिल बाग बाग हो गया मेरा, मतलब कि मान गया कि यार हॉस्टल डेज भी होते हैं। तो भाई देखो मैं कहूँगा कि ये बहुत 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 बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया है स्क्रीन प्ले, और भाई सबसे बढ़िया मेरे को चिराग नाम का कैरेक्टर है, उसकी एक्टिंग बढ़िया लगी। दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड में ना उसकी एक्टिंग है जिसमें कि ना हॉस्टल का ना सारा सामान चोरी होने लग जाता है, और भाई बंदे ने क्या एक्टिंग करी। मतलब कि वो कभी ब्योमकेश बख्शी बन जाता, कभी कुछ बन जाता, मतलब कभी हरियाणवीर है पीछे ले रहा था रे यू, मतलब यू कह रहा, मतलब कि ऐसे ऐसे हरियाणवी लैंग्वेज भी इतनी परफेक्टली, ब्योमकेश बख्शी रे बका ज्यादा आ बका ज्यादा आ बका ज्यादा, मतलब क्या एक्टिंग करी बंदे ने, सब फेल कर दिया। और देखो भाई निखिल विजय तो नेक्स्ट लेवल है ही, शुभम गौर जाट के कैरेक्टर में नेक्स्ट लेवल है वो भी। तो भाई अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो भाई इसमें स्टोरी नहीं है, जैसे आपने गुल्लक सीरीज देखी होगी तो बस वैसा ही है। इसमें एपिसोड 1 में अलग स्टोरी, 2 में अलग, 3 में अलग, किस्से हैं एक तरीके से, मतलब हॉस्टल डेज के वैसा ही है। पर बढ़िया है, मजा आया भाई देखने में, मतलब आधे आधे घंटे के एपिसोड है इसके 6, मजेदार, मजा आएगा आपको। मतलब जो अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनके लोग भाई वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे इस, और जो हॉस्टल में पढ़ के निकले हैं वो तो और नेक्स्ट लेवल करेंगे। तो भाई टीवीएफ ना वाले बढ़िया यार बनाते हैं, टीवीएफ हो गया अमेज़न प्राइम बढ़िया बनाते हैं यार ये, मतलब वेब सीरीज बढ़िया बना रहे हैं आजकल। तो भाई मैं कहूंगा कि आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो, और हाँ भाई लीड लगा के देखना, सीन है तगड़े तगड़े, मतलब वैसे सीन नहीं है कि दिख रहे हैं, पर गालियां हद से ज्यादा है, सीजन 1-2 से ज्यादा गालियां लगी मेरे को इसमें माँ की गाली भी दे दी भाई, माँ की गाली दे दी, बढ़िया था। पर भाई बढ़िया, मैं इस शो को दूंगा 5 में से 4 स्टार, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू हॉस्टल डे सीजन 3 का, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।